इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेट। दीपावली पर्व संपन्न होते ही छठ महापर्व की तैयारी शुरू हो चुकी है। जिला प्रशासन भी अपने तरफ से सुविधाएं मुहैया कराने में जुटा है। इसी क्रम में गुरुवार को अनुमंडल पदाधिकारी रामबाबू बैठा ने मैरवा गुठनी मोड़ छठ घाट का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि छठ व्रतियों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सजग है। निरीक्षण के दौरान एसडीओ ने कहा कि छठ घाटों पे बैरिकेडिंग किया जाएगा, साथ ही साथ घाटों पे मेडिकल टीम भी तैनात होगी, इलाज की भी व्यवस्था रहेगी। मैरवा नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी परवेज आलम ने कहा कि छठ के दिन जाम की समस्या उत्पन्न ना हो, इसको लेकर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है। निरीक्षण के दौरान मैरवा नगर पंचायत पदाधिकारी परवेज आलम, मैरवा अंचलाधिकारी दिव्य राज गणेश, मैरवा थाना अध्यक्ष मनोज कुमार अपने दल बल के साथ उपस्थित रहे। ड्रॉप गेट बनवा दे, गाड़ी इंटर नहीं करे अंदर, नहीं घुटनी मोड़ पे है क्या? गाड़ी आवेगी तब तो दिक्कत हो जाएगी। करा लेंगे, आज सुबह 8 से शाम 8 बजे तक कंट्रोल कर लीजिए। सर, छठ पूजा को लेकर क्या क्या जिला प्रशासन की तैयारी चल रही है? सर, हर जगह बैरिकेडिंग किया जा रहा है, नदी नाला जो भी पोखरा तालाब है जी, उसका डेप्थ चेक किया जा रहा है जी, गोताखोर वगैरह की प्रतिवृत्ति की गई है, लाइटिंग वगैरह किया जा रहा है और चिकित्सा से संबंधित सब कुछ, मेडिकल टीम भी जी, जो भी प्रखंड क्षेत्र MOIC है अपना चिकित्सा शिविर भी लगाएंगे, ऑन साइट कंट्रोल रूम भी रहेंगे। ये सब सारी तैयारी हम लोग मानक है SOP अनुसार करा रहे हैं। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।